हेलो एवरीवन वेलकम टू रारा दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ फेस पर अच्छे से फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से किस तरीके से लगाएं जो कि आपको बहुत जल्दी परफेक्ट फिनिश मिल जाए तो इस वक्त मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूं मैंने टोनिंग कर ली है और बहुत ही हल्का सा लिप लिपटेंट मैंने अप्लाई किया है तो सबसे पहले आप अगर फेस पर बेस लगाना चाहते हैं बेस मतलब फाउंडेशन या बीबी क्रीम या सीसी -सी क्रीम जिससे आपका फेस का जो स्किन है जो कॉम्प्लेक्शन है वो इवन दिखाई दे कंसील हो जाए जो हल्के फुलके ब्लैमिश हो जाते हैं वो भी ढक जाए उसके बाद आप आई मेकअप और लिप मेकअप करके अपने मेकअप को फिनिश कर सकते हैं तो सबसे पहले कोई अच्छा मॉइस्चराइजर या फिर सेरम अप्लाई करें तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूं मैं अप्लाई करने वाली हूं आ, एक बहुत ही अच्छा सा फाइन लाइन और रिंकल को कम करने वाला फेस सेरम दिस इज फ्रॉम मामा अर्थ ये रेटिनल फेस सिरम है और इसकी कुछ ड्रॉप मैं ले रही हूँ इस फेस सिरम की बस आप यहाँ देख सकते हैं ये दो आ, दो ड्रॉप मैंने ली है लाइक आप कह सकते हैं पी साइज अमाउंट मैंने लिया है एंड इसको मैंने इस तरीके से हल्का सा वार्म कर लिया और प्रेस करके मैं अप्लाई कर रही हूं जिससे मेरी स्किन थोड़ी सी प्लम्पी हो जाए थोड़ी रेडियंट हो जाए और रेडी हो जाए फाउंडेशन के आ, आ, अच्छे से फाउंडेशन को सेट करने के लिए क्योंकि कैसी भी स्किन हो अगर आप मेकअप करना चाह रहे हैं उससे पहले आप अगर अपने फेस पर बेस अच्छे से लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए कान पर गर्दन पर हर जगह जहां भी जितना एरिया पूरा ओपन होता है उसके बाद में Uh, आप लीजिए ब्यूटी ब्लेंडर मार्केट में बहुत बहुत महंगे ब्यूटी ब्लेंडर भी अवेलेबल हैं बहुत सस्ते भी हैं लेकिन अच्छा और बेस्ट अफोर्डेबल रेंज में मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ दिस इज फ्रॉम कलर बार और ये कलर बार का जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये ब्लेंडर सिर्फ दो सौ रुपए एम है इसकी लाइक वन नाइन नाइन रुपीज़ एम के साथ में आता है एंड बात करते हैं इस ब्यूटी ब्लेंडर की तो इसको आप ऑनलाइन या फिर डायरेक्टली कलर uh, बार के आउटलेट से परचेज कर सकते हो हो और इसका प्राइस भी मैं आपको यहां दिखा देती हूं वन नाइन नाइन रुपीज है सो so, ये ब्यूटी ब्लेंडर डायरेक्टली अब निकालिया पैकेट से इसको यूं ही नहीं यूज करना है आपको क्या करना है जब तक आप ये ब्यूटी ब्लेंडर को गीला नहीं करेंगे तब तक आप इसे यूज नहीं करिएगा वरना ये फाउंडेशन को सोख लेगा और स्किन पे अप्लाई नहीं होगा पैची हो जाएगा फाउंडेशन कुछ लोग जिनको नहीं पता है वो ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई कर लेते हैं फिर उनका फाउंडेशन अच्छे से नहीं लगता तो ये एक तरीका है आप एक बोल ले लीजिए उसमें पानी डालिए एंड उसमें आप इस ब्यूटी ब्लेंडर को डिप कर दीजिए तो ये आप क्या करें कि इसको जो अगर नया ब्यूटी ब्लेंडर है तो उसको धोने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपने पुराना या यूज किया हुआ कोई ब्यूटी ब्लेंडर है उसको जरूर से वॉश कर लें किसी अच्छे फेस वॉश से या फिर लिक्विड वॉश से उसको जरूर आप वॉश करें आप देखेंगे इसको मैंने थोड़ी देर के लिए डिप कर दिया है डिप होते होते ही ये दोस्तों लगभग लगभग जो है वो डबल साइज का हो गया है और बड़ा होता जा रहा है ये ये देख सकते हैं। वेट होने पे इसका साइज और ज्यादा बढ़ जाता है अब क्या करना है इसको डायरेक्टली ऐसे निकाल करके और बस जस्ट अप्लाई नहीं करना है इसको इसमें डाला मैंने एंड स्क्वीज कर दिया इसको इस तरीके से निचोड़ दें पानी को और ये देखिए इसका पानी पूरा निचुड़ गया है एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर पूरी तरीके से स्क्वीशी और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है बट उसके पहले आप एक टॉवल में लेकर के इसको टॉवल ड्राई कर लीजिए जस्ट एक या दो सेकंड लगती है इस प्रोसेस को करने में एक छोटी टॉवल आप अपने पास रख सकते हैं अपने फेस के लिए रख सकते हैं और ये देखिए ये ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही ज्यादा स्क्वीशी एंड जस्ट बड़े डबल साइज का हो गया है अब क्या करना है एक आप बहुत ही सॉफ्ट सा फेस टिश्यू ले लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा पानी या कुछ भी रह जाता है वो इस टिश्यू की सहायता से बाकी का निकल जाता है ये देखिए ये भी गीला हो गया टिश्यू भी यानी कि इसमें जो भी वॉटर था वो सब यहाँ आ गया है एंड ये टिश्यू प्रॉपरली बेकार हो गया और यहाँ आप देखिए ब्यूटी ब्लेंडर बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड स्क्वीशी हो गया अब ब्यूटी ब्लेंडर तो रेडी है अब कोई अच्छा सा फाउंडेशन ले सकते हैं अफोर्डेबल फाउंडेशन ब्लैक में नाइन टू तो फाइव मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन और ये इतना अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है भले ही इसकी एमआरपी जो है वो फाइव नाइन नाइन है लेकिन ये आपको टू नाइन नाइन में मिल जाता है सेल प्राइस में और इसे आप नायका से ले सकते हैं और लैकमे के आउटलेट से ले सकते हैं और क्या करता है ये ये प्राइमर प्लस मैथ फाउंडेशन है एसपीएफ ट्वेंटी है इसमें और ये फ्लॉलेस फिनिश देता है एंड इसमें आपको अच्छी बिल्डेबल हाई कवरेज मिल जाती है तो इसके स्पैचुला की सहायता से मैं इसको पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ एंड ये वाला जो फाउंडेशन है इसमें किसी भी तरीके से मुझे कंसीलर की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये ऑलरेडी इतना बढ़िया मैट फिनिश देता है और कवरेज बहुत अच्छी देता है कंसीलर की तब ज़रूरत पड़ती है जब आप बहुत ज़्यादा कहीं बहुत एक्स्ट्रा कवरेज आपको चाहिए बट जितना आप नेचुरल और लाइट कवरेज रखेंगे या जितना आप मेकअप को सेकेंड स्किन की तरीके से ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा है लाइक like मैंने फाउंडेशन को तो अच्छे क्वांटिटी में लगा लिया है अब मैं ले रही हूं मेरा ये ब्यूटी ब्लेंडर एंड जस्ट आपको डैब 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 करके इसको ब्लेंड करना है और आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया ये कवरेज दे रहा है और ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से बिल्कुल सेकेंड स्किन बन जाती है और बहुत ही नेचुरल फिनिश आती है यही अगर आप ब्रश से करोगे तो उतना अच्छा फिनिश मुझे यू नो ब्रश से नहीं लगता है और कोई अगर आप बीबीसीसी क्रीम भी लगाना चाह रहे हो ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से तो भी लगा सकते हो इनफैक्ट ब्लेंडर से आप पूरा मेकअप कर सकते हो पाउडर भी ब्लेंडर से लगाया जा सकता है और जो कंसीलिंग है वो भी आप ब्लेंडर से कर सकते हो तो आप खुद देख सकते हैं कवरेज कितनी अच्छी ये दे रहा है और मैं जो यूज कर रही हूँ मेरी स्किन के लिए शेड है डब्ल्यू वन सिक्सटी सैंड जो शेड है ये मैंने लिया है एंड इट्स वेरी नाइस इससे मैंने बहुत सारे मेकअप लुक शेयर किए हुए हैं मेरे चैनल पर सो so आप चेक कर सकते हो और कान पे कभी भी लगाना ना भूलें तो आप देख सकते हो आंखों के आसपास भी बहुत ज्यादा आंखों से चिपका करके फाउंडेशन को ब्लेंड ना करें थोड़ा नेचुरल लुक के लिए आंखों के आसपास का एरिया आप छोड़ सकते हो तो ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये मैंने इसको ब्लेंड कर लिया और एक साइड पूरी खाली है और वो किस लिए है वो मैं भी आपको बताऊंगी वो इसलिए है कि जब ये चीज़ पूरी क्लीन होती है इससे हम यहाँ पर जो एक्सेस लगा हुआ होता है प्रोडक्ट उसको वो हम रिमूव कर देते हैं जिससे कि हमारे बाल के पास में ज़्यादा फाउंडेशन की एक लाइन नहीं बनती है और बहुत ही नेचुरल सा फिनिश आता है सेम ब्यूटी स्पॉन्ज की सहायता से हम आंखों के ऊपर भी ब्लेंडिंग कर लेंगे और ये देखिए कंसीलर की कोई ज़रूरत है ही नहीं और लैकमे में, में काफ़ी अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में फाउंडेशन वगैरह मिल जाते हैं जिनसे आप ब्राइडल मेकअप तक कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से और ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है ये आपको ऑनलाइन नायका पे मिल जाएगा इनफैक्ट ये आपको सस्ता ही मिलेगा दो सौ से कम का क्योंकि कलर बार में भी 20% तक ऑफ मिलता रहता है एंड बहुत ही अच्छे ऑफर भी चलते रहते हैं और अगर आपको किसी एक ही ब्रांड की ब्राइडल मेकअप किट बनानी है अफोर्डेबल प्राइस में तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वो भी देख सकते हैं वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बिगिनर हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं आता तो फिर आप जा सकते हैं लैकमे कलबार या फिर शुगर में भी जा सकते हैं शुगर के प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छी कवरेज और पिगमेंटेशन के साथ में आते हैं तो ये देखिए एकदम फ्लॉलेस नेचुरल फिनिश मिल गया है लेकिन गर्दन का कलर बिल्कुल डिफरेंट है तो इस पर ये जो स्पॉन्ज है इसकी सहायता से थोड़ा सा कवरेज देना है इसको भी आप डैब डैप डैब करके अप्लाई कर सकते हो या फिर यू ही सिंपली तो ये देखिए क्रीज ना बने उसके लिए जब आप फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लो प्रॉपर ये ब्लेंड हो चुका है बट इसको अभी सेट करना बाकी है जिससे कि इसका बढ़िया सा लुक आए तो आप क्या करें कोई अच्छा सा कॉम्पैक्ट ले सकते हो तो मैं यहां पर जो कॉम्पैक्ट ले रही हूं ये है मैक का स्टूडियो फिक्स एनसी फोर्टी मेरा शेड है और इसमें बहुत ही वाइड रेंज आती है लाइक आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो एंड इससे जस्ट आपको प्रेस करना है इसको रगड़ करके अप्लाई नहीं करना है ठीक इसको आप प्रेस करके अप्लाई कीजिए और जितना फास्ट हो सके आई एरिया के आसपास जल्दी से जल्दी आ, कवर कर लें जिससे कि ये प्रॉपरली क्रीज ना बने और बहुत ही फ्लॉलेस लुक दे सी तो बहुत बहुत अच्छे से एक नेचुरल सा फिनिश जो है वो मिल गया है लेकिन बस फेस के बेस में अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली लाइक पाँच मिनट भी दे दिया तो बहुत बहुत अच्छे से हो जाएगा क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ करके इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है और अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस रहती है आपको तो फिर आप काफ़ी काफ़ी फास्ट अपना मेकअप जो है वो फिनिश कर लेते हो सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने आ, इसको अप्लाई कर लिया एक छोटी सी टिप मैं देना चाहूँगी कि आप जितना भी आ, मतलब जब भी आप कभी फ़ेस का बेस अप्लाई करने का सोचें तो अपने आईब्रो ज़रूर से ड्रॉ कर लीजिए जिससे कि जब भी आप आ, कवर आ, करते हो लाइक फेस को आ, इसकी सहायता से ब्लेंडर की तो थोड़ा बहुत फाउंडेशन लग जाता है ना तब भी उसका शेप आपको दिखाई देता रहेगा तो वो कभी भी मिस नहीं होगी जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इधर उधर नहीं होगा स्पूली की सहायता से जब आप क्लीन करोगे ना तो बहुत बहुत अच्छा आपको आ, शेप मिलेगा इसका आयुरो का ठीक है तो इसको मैंने आ, बेस को मैंने अप्लाई कर लिया है एंड आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं मैंने कम अप्लाई किया है जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल फिनिश और मैं यहाँ पर अगर बेकिंग भी करना चाहूं तो मैं भी आपको हल्का सा करके दिखा देती हूं दोस्तों सेम कॉम्पैक्ट से मैं यहां पर भी कवर कर रही हूं और अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आप अपने मान लीजिए आप पार्टी में कहीं जा रहे हो या फिर कहीं आपको जाना है तो जो भी आप मेकअप कर रहे हो उससे पहले आप अपनी कोई ओल्ड शर्ट पहन सकते हो जैसे इस वक्त मैंने एक ओल्ड टॉप पहना है बटन वाली कोई ड्रेस पहनी है जिससे कि आप जब मेकअप आपका हो जाए तो आप उसको रिमूव कर देंगे तो आपके जो नए कपड़े आपने पहने हुए हैं वो कभी भी खराब नहीं होंगे लाइक उन पर यहाँ पर मेकअप लगेगा नहीं पुराने वाले पे लग जाएगा इस वजह से तो बेकिंग के लिए क्या करना है जस्ट मैंने लिया है यहाँ पर मेकअप रेवल्यूशन का लग्जरी बेकिंग पाउडर जो कि बनाना पाउडर है एंड ये ना 42 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ आता है एट हंड्रेड का एट फिफ्टी का है ये लेकिन इसमें प्रोडक्ट क्वांटिटी काफी ज्यादा आती है तो देखिए बेकिंग के लिए क्या करना है बेकिंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है जस्ट मैंने थोड़ा सा ब्यूटी ब्लेंडर पे ले लिया एंड ये जस्ट ऐसा है ना ये मेकअप को बहुत ज्यादा फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग मैट फिनिश दे देता है और गर्मियों में अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आप बेकिंग जरूर करिएगा भले ही कोई पार्टी हो बर्थडे पार्टी हो या कोई भी हो अगर आपका मेकअप फ्लॉलेस है और आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं है उसमें कोई क्रीज नहीं पड़ रही है उसमें ऑयलीनेस नहीं है तो पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं ठीक है थीकर? तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा और राइट सो so, आप देख सकते हैं आंखों के नीचे जो अनड्राई एरिया है वो एकदम से ब्राइट हो गया है सेम कॉन्टोरेंट से जस्ट लगी हुई जो ये जॉ लाइन होती है यहां पर भी आप हल्का सा एक शेड देने के लिए एक ब्राइटर लुक देने के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो और ये देख सकते हैं तो एक फीचर्स जो है वो ऑलरेडी दिखाई देने लगते हैं और आप थोड़ा सा नोज़ पे अप्लाई कर सकते हो वापस से अंड्राई एरिया पे अप्लाई कर सकते हो सो so, ये कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप हैं जिनसे आप अपने फेस के बेस को अगर फ्लॉलेस बना लेते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा हाई डार्क लिप कलर लगाने की या फिर आपको किसी भी तरीके का कुछ और मेकअप प्रोडक्ट लाइक आई शेडो बहुत ज्यादा हाई लगाने की बिकॉज अगर आपको नेचुरल वाला मेकअप लुक चाहिए तो बस आप सिर्फ और सिर्फ हल्का सा आई शेडो बहुत ही नेचुरल सा कोई एक शेड बस जस्ट फिंगर से अप्लाई कर लीजिए एंड देन हो गया तो मैं इस तरीके के जो छोटे छोटे मेकअप टिप्स हैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी जो पर्सनली मैं फॉलो करती हूँ एंड मेरे पिक्चर्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं सेम आप कान पर भी कर सकते बिकॉज कान में जब आप कोई भी एक्सेसरी ज्वेलरी कुछ भी अगर इयर वगैरह पहनते हो तो वो अच्छा दिखना चाहिए जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम अभी सिर्फ और सिर्फ आ, Uh, दो मिनट रखेंगे उसके बाद हल्का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है इसको मैं डस्ट कर दूंगी तो उससे पहले मैं क्या कर लेती हूँ uh, कोई भी अच्छा सा स्पूली लेकर के आईब्रो की क्लीनिंग कर लेते हैं ये जो uh, यहां पर जो ये स्मजर देख रहे हैं इसको स्पूली भी बोलते हैं दोस्तों तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा कोई भी अच्छा सा आईब्रो का जो स्मजर होता है इसको लेकर के जस्ट आप ऐसे कर लीजिए क्लीनिंग तब भी आप देखिए एक नेचुरल सा uh, जो श, uh, जो शेप है वो निकल करके सामने आ जाता है आईब्रो का एंड उसके बाद आप फिलिंग कर सकते हो इनकी तो ये बहुत बहुत ज्यादा इजी है एंड uh, बस आप कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले इसको ड्रॉ जरूर करिएगा जिससे कि भले ही आप डार्क ड्रॉ कर लेना वो बाद में नेचुरल में कन्वर्ट हो जाता है डोंट वरी वो बिल्कुल भी हॉरेबल नहीं दिखेगा बिकॉज आपने देखा था जब मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही थी तो मैंने इसको डीप डार्क कर रखा था बट अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है एंड इट्स नाइस ठीक है तो अब एक मिनट का वेट और कर लेते हैं तो एक मिनट हो गया है मैंने लिया है पाउडर ब्रश आप कोई फ्लफी ब्रश ले लीजिए और उस पर जो ये एक्स्ट्रा ओल्ड अगर कोई प्रोडक्ट लगा है आपने डे टाइम में कुछ अप्लाई किया है तो उसको आप टिश्यू पेपर पे इस तरीके से पोष दीजिए होता है एक्सेस और जस्ट उसको डस्ट करिए बहुत ही सॉफ्टली बहुत जेंटली करिएगा बिकॉज आपने फेस पे फाउंडेशन भी लगाया है कॉम्पैक्ट भी लगाया है तो वो जरा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए सी आप देख सकते हैं कि मेरा जो आ, फेस का बेस है वो बिल्कुल फ्लॉलेस हो गया है अब इस पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्टोरिंग की जरूरत है नोज को शार्प करना है एक हल्का सा आई शेडो अप्लाई करना है और ब्राउज को थोड़ा डार्क करना है मस्कारा लगाना है एंड हल्का सा सॉफ्ट नेचुरल कलर लिप्स पे लगाना है एंड दैट्स इट और सिंपल अगर मैं कॉन्टोरिंग ना करूं ब्लश भी अप्लाई कर लूँ तब भी फेस के फीचर्स अच्छे लगेंगे तो मैं जरा आपको बाल खोल करके दिखा देती हूँ तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे फेस का जो बेस है वो काफी काफी अच्छा बन गया है और मैंने जस्ट अपने बाल ओपन किए हैं एंड आप पास से देख सकते हो कि मैंने सिर्फ ब्राउज को थोड़ा सा डार्क किया है और अभी कोई मस्कारा आई शेडो कुछ भी अप्लाई नहीं किया है तो इस पे मुझे अगर मैं अप्लाई कर लेती हूँ बाकी सारी चीजें तो काफी काफी अच्छा सा मेकअप लुक बन जाए तो बस दोस्तों इस तरीके से आप भी छोटी छुड़ छोटी टिप्स को फॉलो करके अपने फेस और बेस को काफी अच्छा फ्लॉलेस लुक दे सकते एंड इसके साथ ही एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि आप लिप बाम का रेगुलर यूज करते रहिए एंड इस तरीके से एक ही आ, यूज में आप देख सकते हैं फाउंडेशन कितना ज्यादा गंदा हो गया है सॉरी ब्यूटी ब्लेंडर तो इसमें फाउंडेशन को ज्यादा लग गया है तो आप क्या करिएगा इसको जरूर जैसे कि मैं इसको वापस से पानी में डालने वाली हूं एंड वॉश करने वाली हूं तो आप भी इसको जाकर के अपने ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश जरूर से करें एंड ये क्लीन रहेगा तो आपके फेस पर कोई बैक्टीरिया भी नहीं लगेंगे और मेकअप टूल जो होते हैं लाइक ब्रश स्पॉन्ज और जो भी और एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं उन सभी पर आजकल तो इतने ज़्यादा सैनिटाइजिंग स्प्रे आ गए हैं मेकअप के भी मार्केट में वो भी आप ट्राई कर सकते हो इनफैक्ट कलवार में भी एक आता है अफोर्डेबल ढाई सौ रुपए का सो so आप वो भी ट्राई कर सकते हो सो थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय दोस्तों खुश रहिए एंड छोटी छोटी टिप्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मेरे पेज को और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं